अब उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड सरकार युवाओं को रोजगार की सौगात देगी। 1218 वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वन विभाग ने भर्ती नियमावली में संशोधन किया है। शारीरिक परीक्षा का मापदंड पूर्ण होते ही भर्ती शुरू हो जाएगी। वन रक्षक भर्ती के लिए करीब 1,08,000 युवाओं ने आवेदन किया है। आपको बता दें कि शारीरिक परीक्षा का मापदंड पूर्ण होते ही ये भर्ती शुरू कर दी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वन रक्षक भर्ती के लिए करीब 1,08,000 युवाओं ने आवेदन किया है। उत्तराखंड सरकार युवाओं को रोजगार की सौगात देगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1,218 वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सोनू सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सोनू, वन विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए शिखा, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ तौर पर जो तमाम राज्य सरकार के विभाग हैं, विभागों में करीबन 18,000 से ज्यादा रिक्त पद अभी हैं, तो उन पदों की भर्ती करने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। विशेष रूप से लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में यदि हम वन विभाग की बात करें तो 1218 वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तकरीबन अंतिम चरण में पूरी की पूरी प्रक्रिया पहुंच गई है। लंबे समय की खामोशी के बाद अब वन रक्षकों के करीबन ये 1,000 से ऊपर जो रक्षकों के पद हैं, इनका जो पेच फंसा हुआ था क्योंकि मामला न्यायालय तक चला गया था, अब इस नियमावली में संशोधन कर भर्ती को अंजाम देने की तैयारी में जुट गया है विभाग। और जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती करने की जहां एक और तैयारी कर ली, तो वहीं दूसरी ओर शारीरिक परीक्षण मापदंड पूरा करते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो देखना होगा कि आखिर अधीनस्थ चयन सेवा चयन आयोग और वन विभाग आखिर कब तक इन बेरोजगारों को वास्तव में रोजगार दे पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता सोनू सिंह हमारे साथ जुड़े थे। आपको बता दें कि रोजगार देगी युवाओं को उत्तराखंड सरकार।